हाय गाइस, हर साल ना मैं लेटेस्ट आईफोन और लेटेस्ट सैमसंग के ऊपर कंपैरिजन बनाता हूँ। जैसे कि आज की वीडियो में भी मैं S24 अल्ट्रा को आईफोन 15 प्रो मैक्स से कंपेयर करने वाला हूँ। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, हर साल मुझे डर लगता है किसी एक ब्रांड के फोन को विनर बताने में, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है एप्पल फैंस या फिर सैमसंग फैंस बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन इस साल पार्थ और मैं आपको मिलके बताएंगे, इस साल हम होल्ड बैक नहीं करने वाले हैं। इस बार हमारे पास एक क्लियर आंसर रहेगा, बट एक कंडीशन भी रहेगी उसके साथ। और कंडीशन क्या है वो आपको लास्ट में पता लगेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस बार डिजाइन के बारे में बात करने के लिए आप लोगों से। देखो, क्लियरली पता लग रहा है कि सैमसंग जो है ना डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ गया एप्पल के, क्योंकि दोनों ने टाइटेनियम यूज कर लिया है फाइनली, और दोनों में जो है ये ग्रे कलर आया है। देखो, एप्पल का जो है एक्चुअली में पूरा ज्यादा ग्रे की साइड ही है, जबकि सैमसंग ने ना हल्का सा गोल्डन इफेक्ट दिया है। मतलब इस पे लाइट जब हिट होती है S24 अल्ट्रा पे, हल्का सा गोल्डन इफेक्ट आता है। मुझे पर्सनली अगर मुझे एक टाइटेनियम कलर पिक करना हो तो यार वो गोल्डन इफेक्ट जो आ रहा है S24 अल्ट्रा में, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज बताऊं, मैं दोनों फोन का वेट कंपेयर कर रहा था और पहली बार ऐसा हुआ है कि आईफोन ज्यादा हल्का फील होता है ज्यादा लंबे समय यूज करने के लिए। मतलब कि S24 अल्ट्रा यार क्या तो इसके शार्पर कॉर्नर भी है, इस वजह से हल्का सा डिस्कम्फर्ट आता है, हल्का सा ये हैवी भी फील होता है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि एक टाइम था आईफोन्स कुछ ज़्यादा ही हैवी होते थे, इस साल सिलेबस चेंज है। वैसे ब्रॉडली देखा जाए ना तो दोनों फोन एक एक यूनिक फीचर लेकर आते हैं। जैसे कि आईफोन में एक्शन बटन है, अगर आप चाहो बिना फोन को ऑन करे साइलेंट रिंग पे करना वो हो जाएगा, या फिर इस एक्शन बटन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन एप्पल ने दे तो रखे हैं, बट सैमसंग ने यहाँ पर इस फोन के साथ एस पेन दिया है, इससे ऑब्वियसली पीडीएफ वगैरह साइन हो जाती है, और इसके अंदर बटन है, इससे जो है गैलरी में फोटोज चेंज हो जाती है जेस्चर्स की मदद से। और हाँ भाई, एक बड़ा फीचर एस पेन का जो पर्सनली मैं बहुत यूज करता हूँ, फोन को दूर रख दो आप अकेले हो फोटो खींच सकते हो अपनी दूर एस पेन से। इन शॉर्ट आपके ऊपर है कि आपको एस पेन ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर एक्शन बटन। और पता है क्या, बहुत ज्यादा डिटेल में ना मैं स्पीकर्स टेस्ट कर रहा था दोनों फोन के। ऑनेस्टली 19-20 का फर्क है, मतलब कि आईफोन जो है थोड़ा सा ज्यादा फुल साउंड कर रहा है, बट ये मैं बहुत ज्यादा नेट पिकिंग करके बता रहा हूँ। बट एक जगह आईफोन जो है बहुत क्लियर विन लेकर जाता है, वो है आईपी रेटिंग। देखो, आईफोन में IP68 रेटिंग है जो कि बहुत एडवांस है, मतलब 30 मिनट के लिए 6 मीटर डीप जा सकता है आईफोन। रेफरेंस के लिए S24 अल्ट्रा की बात करूं तो 30 मिनट के लिए 1.5 मीटर डीप जा सकते हैं, तो डिफरेंस तो है। बाकी यार बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आईफोन में फेस अनलॉक है, अच्छा काम करता है काफी हद तक, और सैमसंग जो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो देता है वो स्वेट वाले हाथों से भी खुल जाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। और पिछले बहुत सालों से सैमसंग के पास एक एडवांटेज होता था टाइप सी पोर्ट, अब वो आईफोन में भी आ चुका है, तो यहाँ पर काफी हद तक टाई है। चलो, अब इन दोनों फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फोन में डिस्प्ले है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन्स है कंटेंट देखने के लिए। आईफोन में हमें 6.7 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, वेरे सैमसंग में हमें 6.8 इंच की क्वाड HD डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिलती है। वैसे दोनों फोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट सैमसंग के पास डिस्प्ले में दो एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जो इन्होंने एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग यूज करी है, ये रिफ्लेक्शंस कट करने में बहुत मेजर तरीके से हेल्प करती है। तो अगर आप सनलाइट में बैठ के कंटेंट देख रहे हो, या फिर आप इंडोर कंडीशंस में जहां पे ट्यूबलाइट वगैरह है वहां पे आप कंटेंट देख रहे हो, तो आपको डेफिनेटली रिफ्लेक्शंस कम देखने को मिलेंगी। और जो दूसरा एडवांटेज है वो है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस एक ऐसी जगह जहां पे सैमसंग एक बहुत मेजर विन लेकर जाता है, क्योंकि सैमसंग में हमें 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वेरस आईफोन में सिर्फ 2000 निट्स की। देखो, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आउटडोर विजिबिलिटी दोनों फोन्स की इक्वली ही गुड है, बट जब आप HDR कंटेंट प्लेबैक करते हो ना इन दोनों फोन्स के अंदर, वहां पे एक डिफरेंस पता लगता है, क्योंकि जो सैमसंग है ना वो डेफिनेटली ज्यादा ब्राइट फील होता है जब आप आईफोन से कंपेयर करोगे। और मैंने एक और चीज नोटिस करी कि जो सैमसंग है, क्योंकि इसमें हमें पंच होल डिस्प्ले मिलते हैं और बेजल्स भी इस बार काफी कम है और यूनिफॉर्म भी है, इस वजह से कंटेंट देखने का जो एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से सैमसंग में बेटर है, क्योंकि आईफोन में हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलती है जो थोड़ी सी स्पेस तो खाती है, तो शायद कंटेंट देखना इतना एंजॉयबल ना हो। जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो दोनों फोन्स में एक कॉन जरूर है, जो आईफोन है ना वो प्राइम वीडियो पे सिर्फ 720p का प्लेबैक कर सकता है, वेरैज जो सैमसंग है वो डॉल्बी विजन सपोर्ट ही नहीं करता, बट हाँ ओवरऑल डिस्प्ले में सैमसंग थोड़ा सा बेटर जरूर फील होता है। अच्छा, अब ना एक बार बैटरी के बारे में बात करते हैं। देखो क्या है ना कि एप्पल वाले कभी भी है ना
बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात ही नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि भाई हमारा सीधा फोन यूज करो और फिर बैटरी बैकअप फील करो। और बहुत इंप्रेसिव बात पता है मुझे इन दोनों फोन्स की क्या लगी, डे वन से दोनों फोन जो है एकदम सॉलिड बैटरी बैकअप देते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स भी जब से ये फोन लॉन्च हुआ है मैं तब से इसको लगातार यूज कर रहा था एज ए प्राइमरी फोन, और अब जब सैमसंग लॉन्च हुआ है तो मैं तब से अब तक इसको प्राइमरी फोन बना के बैठा हूँ। और बहुत कम फोन होते हैं यार जो डे वन से बहुत सॉलिड बैटरी बैकअप दे, और ये दोनों फोन ये चीज डिलीवर कर रहे हैं, तो इससे क्लियरली पता लगता है कि दोनों फोन वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। बट अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो स्क्रीन ऑन टाइम होता है जिससे पता लगता है कितना फोन चला है। देखो मेरे को इतना देखने को मिला, सैमसंग जो है ना 8 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम काफी हद तक दे देता है, जबकि आईफोन जो है 9 घंटे से भी ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देता है। तो स्लाइट मैं बोलूंगा एडवांटेज आईफोन के पास है, बट ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब आप रियल लाइफ में दोनों फोन को यूज करोगे आप बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाले हो, क्योंकि 1.5 दिन तक भी चल सकता है फोन नॉर्मल यूसेज पे। और हाँ यार, हम चार्जिंग स्पीड्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, यहाँ पर बहुत साल से सैमसंग लीड ले रहा है, 45 वॉट की चार्जिंग देता है, और अनऑफिशियली आईफोन जो है 27 वॉट मैक्सिमम चार्ज होता है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि एप्पल भी अब थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग देना शुरू कर दे अपने फोन्स में। चलो एक और बात बता देता हूँ, वायरलेस चार्जिंग तो दोनों फोन में मिलती है, बट सैमसंग जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दे रहा है। अगर मैं चाहूँ अपने TWS को चार्ज करना या फिर अपनी वॉच को चार्ज करना, सैमसंग ये चीज पॉसिबल कर सकता है। आई विश ये भी एप्पल दे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। चलो अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्योंकि इस साल बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। देखो अगर मैं आईफोन की बात करूं तो यहाँ पे हमें iOS 17.3 मिलता है, और आई गेस सबको पता है कि जब आईफोन 15 सीरीज मार्केट में आई थी तो इसमें काफी सारे बग्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट एप्पल ने अपडेट्स देकर इस फोन के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा स्टेबल कर दिया। एंड एक जनरल बेनिफिट रहा है iOS का कि ये लॉन्ग टर्म में काफी स्टेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एप्पल का जो सिस्टम है ना वो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जिस स्मूथनेस से सारे एप्पल डिवाइसेस काम करते हैं ना वैसा और कोई कंपनी नहीं कर पाती पूरी इंडस्ट्री के अंदर। इनफैक्ट सैमसंग का भी जो इकोसिस्टम है वो इस लेवल की फ्लूइडिटी मैच नहीं कर पाता। बट पता है जब हम यूनिक फीचर्स की बात करते हैं वहां पे iOS थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि सैमसंग ने इस साल कुछ क्रेजी ही कर दिया। जो S24 अल्ट्रा है वो One UI 6.1 के साथ आता है, एंड सैमसंग क्लेम कर रहा है कि 7 साल के OS अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे। ये प्रॉमिस तो डेफिनेटली अच्छा मूव है, बट जो हमें ओवरऑल रिफाइनमेंट देखने को मिली ना इस साल एंड्रॉइड वर्ल्ड में, मैंने इससे ज्यादा स्मूथ UI अभी तक यूज नहीं करा। एंड क्योंकि हमें इस साल गैलेक्सी AI की फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, वो भी एक बहुत फन एक्सपीरियंस बनाते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे अगर मुझे किसी को मेल लिखनी है या फिर किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना है, बट मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा और परफेक्ट बनाना है, तो मैं AI की हेल्प से उस स्ट्रक्चर को रिफाइन कर सकता हूँ और फिर मैं वो मैसेज इजीली भेज सकता हूँ। और ऐसे AI वाले और फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैलरी में जनरेटिव AI है या फिर नोट असिस्ट मिलता है। बेसिकली सैमसंग की One UI इस बार ज्यादा पैक्ड और रिफ्रेशिंग फील होती है। बट हाँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर दे देता हूँ, जितने भी ये गैलेक्सी AI के फीचर्स है ना, ये सिर्फ 2025 के एंड तक फ्री रहेंगे, हो सकता है उसके बाद ये पेड हो जाए। और अभी के लिए सॉफ्टवेयर में तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हाँ, एप्पल को ना थोड़ा सा और फन और रिफ्रेशिंग बनाने की जरूरत है अपने iOS को। चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एंड यहाँ पे ना आपको एक डिफरेंस समझना होगा ऑप्टिमाइजेशन और रॉ पावर के बीच में। आईफोन में हमें एप्पल का A17 प्रो चिपसेट देखने को मिलता है, वेरा सैमसंग जो है वो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लेकर आता है। एंड जब मैंने कहा था ना कि रॉ पावर वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है, तो एक बार आप इन दोनों फोन्स का एंटूटू स्कोर देखो। जो आईफोन है उसका स्कोर अराउंड 15.3 लाख आ रहा है, वेरा जो सैमसंग है वो ऑलमोस्ट 21 लाख का स्कोर लेके आता है। 6 लाख का गैप होना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर मैं 3D मार्क के वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट की बात करूं तो देखो वहां पे स्टेबिलिटी स्कोर तो आईफोन का डेफिनेटली बेटर आया है, बट ये जो लूप स्कोर होते हैं ना ये बहुत मैटर करते हैं। एंड यहाँ पे सैमसंग का जो लोएस्ट लूप स्कोर है वो आईफोन के हाईएस्ट लूप स्कोर से भी ज्यादा है। एंड ऐसी ही स्टोरी हमें सोलर बेस्ड स्ट्रेस टेस्ट में देखने को मिली, जहां पे सैमसंग का जो लूप स्कोर है, जो सबसे लोएस्ट लूप स्कोर है, वो आईफोन के ऑलमोस्ट हाईएस्ट लूप स्कोर के अराउंड ही है। और गीकबेंच में भी लगभग दोनों फोन्स का मल्टीकोर स्कोर सेम ही है। तो देखो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है जब हम उसको एप्पल के A17 प्रो से कंपेयर करते हैं। ये था रॉ पावर होने का एडवांटेज कि आपको बेंचमार्क्स बेटर मिलेंगे, बट ऑप्टिमाइजेशन है जहां पर आईफोन एक मेजर विन लेकर जाता है। क्योंकि जब हम जेंशन इंपैक्ट जैसी हैवी गेम्स को देखते हैं ना, तो वहां पे सैमसंग सिर्फ 60 FPS मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है, वेरस आईफोन जो है वो अप टू 120 FPS का सपोर्ट लेकर आता है। मेरे हिसाब से डिफरेंस बहुत मेजर है। इनफैक्ट COD जैसी गेम्स के अंदर भी जो 120 FPS की सेटिंग है वो आईफोन में हर एक मोड में अवेलेबल है। और हाँ, वैसे मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आईफोन के अंदर कंसोल गेम्स जैसे कि रेजिडेंट ईवल का भी सपोर्ट है, एंड आई थिंक ये लाइब्रेरी ओवर टाइम बढ़ती ही जाएगी। तो ये बेनिफिट रहता है बेटर ऑप्टिमाइजेशन होने का। बट पता
पता है मैंने पहले सोचा कि परफॉर्मेंस की टेस्टिंग एंड करने से पहले एक टेस्ट और रन करके देखता हूँ जहाँ से पता लगेगा कि हीटिंग कौन सा फोन बेटर हैंडल कर पा रहा है। इसके लिए मैंने VN एडिटर में दोनों फोन्स में 4K की 40 मिनट्स की फुटेज डाली और फिर सेम सेटिंग्स पर दोनों फोन में सेम टाइम पे एक्सपोर्ट का बटन दबाया। देखो मजे की बात तो ये थी कि दोनों फोन्स में एक्सपोर्ट टाइम में सिर्फ 2 सेकंड का फर्क था, जो ऑफकोर्स ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने दोनों फोन्स में हीटिंग चेक करी तो जो सैमसंग है वो अराउंड 34.6 डिग्रीज पर था, वेरस जो आईफोन है वो 41 डिग्रीज पहुंच चुका था। तो इससे मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं सैमसंग जो है वो हीट मैनेज करने में थोड़ा सा बेटर है जब हम आईफोन से कंपेयर करते हैं। आई गेस जो इन्होंने नया वेपर चेंबर डाला था अल्ट्रा के अंदर वो कहीं ना कहीं तो वर्क कर ही रहा है। आई होप आप में से बहुत सारे लोग जो हो कैमरा डिपार्टमेंट को डिटेल में देखने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है समझने के लिए कि दोनों में से विनर कौन है। और स्पॉइलर अलर्ट, दोनों में से कोई विनर नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा एक्यूरेट और इतने सिमिलर परफॉर्मिंग करने लगे है। अब जब आप फोटोज देखोगे आपको समझ में आएगा। जैसे कि जो आईफोन है उसका सेटअप जो है 48+12+12 मेगापिक्सल का है, जबकि S24 अल्ट्रा जो है 200+12+10+50 मेगापिक्सल का सेटअप लेके आता है। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी ना कि सैमसंग डायरेक्टली अब कॉम्पीट करना चाह रहा है एप्पल के साथ। मतलब आज से पहले हमने देखा है दोनों कंपनी के बीच में लड़ाइयां चलती रहती थी, बट जब यहां पर सैमसंग ने 10x लेंस हटा के 5x दे दिया आईफोन की तरह, ये मेरे हिसाब से यहां पर सैमसंग ने पूरा ऐलान सा कर दिया कि भाई हम जो है डायरेक्टली कॉम्पीट करेंगे। तो मैं सीधा आपको ना दोनों फोन के 5x से फोटो दिखाता हूँ। बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में मैंने टेस्टिंग करी, चाहे फिर वो डे लाइट हो लो लाइट हो, मुझे एक चीज तो नोटिस आई है, मैं जूम करके भी दिखाऊंगा, शार्पनेस सैमसंग में ज्यादा है। और लो लाइट की बात करूं तो यहां पर भी सैमसंग बेटर परफॉर्म कर रहा है। और ये स्पेसिफिक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर आप देख सकते हो ज्यादा नॉइज आईफोन लेकर आ रहा है। इनफैक्ट सैमसंग की बात करूं तो वहां पर कलर्स भी ज्यादा है, नॉइज भी कम है और डिटेल भी ज्यादा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर जूम की जब भी बात होती थी पिछले बहुत सालों से सैमसंग जो है लगातार जीतता आ रहा था, लेकिन जब मैं 10x से कंपेयर करने गया आईफोन और सैमसंग दोनों को, ये फोटोज देखने के बाद कोई भी बोलेगा कितने सिमिलर हो गए यार दोनों के दोनों फोन। बस हाँ एक सिनेरियो था जहां पर स्क्रेल की फोटो मैं खींच रहा हूँ और मेरे हिसाब से यहाँ पर आईफोन जो है ज्यादा एक्यूरेट कलर्स लेकर आया। बेसिकली बस ये 5x ही है जहां पर मुझे चेंजेस दिखे। अगर मैं मेन कैमरे की बात करूं दोनों फोन से, तो चलो एक गेम खेलते हैं, मैं आपको दोनों फोन से फोटो खींची हुई दिखाता हूँ, बताओ कौन सा आईफोन है कौन सा सैमसंग है। कितना सरप्राइजिंग है भाई, इतनी सिमिलर प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं। इफ इन केस आपने गेस कर लिया हो तो रिजल्ट्स आपके सामने। एक एक एडवांटेज बताता हूँ दोनों फोन का। देखो मुझे ऐसा लगा कि आईफोन जो 24 मेगापिक्सल पे फोटो खींचता है ना, वहां पर डिटेल ज्यादा आ जाती है, ये मेरे हिसाब से एक स्लाइट एडवांटेज है। बट सैमसंग के एडवांटेज की बात करूं तो भाई इसका HDR आज भी आईफोन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है और ये लीफ वाली फोटो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। चलो एडवांटेज तो बता दिए, चलो डिसएडवांटेजेस बहुत मुश्किल से ढूंढे हैं वो बताता हूं। जब मैं और मेरी टीम फोटोज खींच रहे थे ना, तो हमें लगा यार आईफोन का फोकसिंग डिस्टेंस काफी ज्यादा कम है। मतलब जैसे ही हम किसी सब्जेक्ट के पास जाते आईफोन को लेके, तो वो मैक्रो मोड में शिफ्ट कर जाता है, और अगर मैक्रो भी यूज नहीं करते तो फोकसिंग डिस्टेंस कम है, जबकि सैमसंग पास चले जाता है जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो। जबकि सैमसंग की डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि जब मैं लो लाइट में कभी फोटो खींच रहा हूं या फिर जब मैं इंडोर हूं, वहां पर ज्यादा कूल फोटो खींच देता है, मतलब थोड़ा सा ब्लूइश टिंट आता है। अब अल्ट्रा वाइड लेंस की थोड़ी बातें कर लेते हैं, मैं बहुत फोटोज खींचता हूं खैर अल्ट्रा वाइड से। देखो बहुत सारी सिनेरियोज में फोटोज खींची है मैंने, चाहे फिर वो लैंडस्केप हो या बाकी एग्जांपल्स हो, मुझे लगता है कि स्लाइटली बेटर यहां पर सैमसंग है। और ऑब्वियसली एक एडवांटेज सैमसंग का ये भी है कि एक्स्ट्रा लेंस है 3x का, तो पोर्ट्रेट मोड में वो हेल्प करता है जो कि आईफोन में नहीं है। अच्छा सेल्फीज में भी ना डिफरेंस है, देखो दोनों 12 मेगापिक्सल है वैसे, बट आईफोन का फायदा ये है कि वो थोड़ा वाइड ज्यादा हो जाता है तो ग्रुप सेल्फी में अच्छा रहता है। बट अगर मैं इन जनरल कलर्स वगैरह की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सैमसंग का बेटर है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत सारे लोग जो है आईफोन व्लॉगिंग के लिए खरीदते आए हैं, और मैं हर साल जो हूं आईफोन वर्सेस सैमसंग करता हूं, और वही सेम ओल्ड स्टोरी है कि यहां पर आईफोन के पास ज्यादा मैच्योर प्रोसेसिंग है, वीडियो के अंदर ज्यादा कंसिस्टेंट फील होता है। स्टेबलाइजेशन में बोलूंगा हां काफी हद तक सैमसंग भी कॉप अप कर चुका है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा सैमसंग जो है कोशिश कर रहा है पूरा का पूरा लाइक ऑन पार आने की आईफोन की तरह, बट स्टिल यार कहीं ना तो कहीं आईफोन अभी भी जो है थोड़ा अपर एंड पे है। एंड आई बिलीव सिमिलर स्टोरी जो है फ्रंट कैमरे की वीडियो वाले पार्ट में भी मुझे लगी। अब आते सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि इन दोनों में से आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखो एक सिंपल सिनेरियो लेके चलते हैं, वो है प्राइस। ये जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है ना, 256GB वेरिएंट जो है 1,57,000 रुपीस से स्टार्ट होता है, और फिलहाल S24 अल्ट्रा का बेस वेरिएंट 1,30,000 से स्टार्ट हो रहा है। और मैं यार सबको सजेस्ट करता हूँ कि ऑफलाइन मार्केट में यही सेम फोन S24 अल्ट्रा 1,10,000 से लेके 1,18,000 का मिलता है, तो मेरे हिसाब से वहां से खरीदना ज्यादा सेंस होता है। तो देखो सिंपली मैं अगर पॉइंट पे आऊं, वैसे मैं हर साल यार यही कोशिश करता हूं कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर दे दूं, मतलब किसी फोन को विनर ना बताऊं, बट यार इस बार मुझे ऐसा लगता है कि गलत हो जाएगा ये
बोलना कि नहीं भाई आपके हिसाब से कोई एक विनर है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भी देखूं या फिर मैं ओवरऑल वैल्यू भी देखूं फोन की, तो ऐसा लगता है कि S24 अल्ट्रा जो है ज्यादा चीजें दे रहा है। बट अगर मैं सेकंड सिनेरियो की बात करूं कि आप आईफोन 15 प्रो मैक्स जो हो दूसरी कंट्री से खरीद रहे हो जो कि 110,000 ऊपर या नीचे मतलब अकॉर्डिंगली मिलता है, उस केस में मुझे लगता है कि यार बहुत लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स सेंस लगेगी। तो मेरी एडवाइस सिंपल सी रहती है, अगर आपको आईफोन ही खरीदना है तो फॉरेन कंट्री से खरीदो भाई, इंडिया से खरीदने की सच में कोई सेंस नहीं है, इतना ज्यादा पैसा आप क्यों देना चाहते हो। बट मैं ब्लंटली बोलना चाहूंगा फिलहाल S24 अल्ट्रा जो है इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से एक बेटर फोन मुझे फील हुआ। आई होप सैमसंग या एप्पल फैन जो है इन बातों से नाराज ना हुए हो, क्योंकि मैंने कोशिश करा है कि फैक्चुअल बात रखूं पर साथ के साथ इस बार अपना ओपिनियन भी दूं, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि ओपिनियन आप मेरा सुनने आते हो तो एटलीस्ट मुझे जो मेरे मन में आता है मैं वो बोलूं। तो इसी नोट पे कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपना ओपिनियन बताकर जाओ आपके हिसाब से कौन सा बेटर फोन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो यार, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रा आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।